Then, इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर तो यहाँ भी ये भी इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या क्वेश्चन है आपके पास जीरो माइनस एक्स डी एक्स यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो आप ध्यान से देखें भाई यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स जो है वो बराबर होता है जीरो टू ए

फाइव माइनस एक्स रखेंगे तो ये माइनस अंदर चला जाएगा फाइव माइनस एक्स प्लस एक्स तो यहां बचेगा केवल एक्स इसको नाम दें आप सेकेंड अब फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर देंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड तो यहां लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी एंड यहां पर जीरो टू फाइव रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट फाइव माइनस एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू फाइव रूट फाइव माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट फाइव माइनस एक्स डी एक्स यहाँ पे हो गया टू आई इज इक्वल टू जीरो टू फाइव यहाँ बन जाएगा रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट फाइव माइनस एक्स प्लस रूट फाइव माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट फाइव माइनस एक्स आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है बिकॉज कि आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स को ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स टी एक्स तो यहां पर हमने यही प्रॉपर्टी यूज किया कि इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं यहां इन दोनों का एल्शियम लेंगे आप तो यहां आ जाएगा जीरो टू फाइव डेनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एल्शियम सेम आ जाएगा एंड अपर लिमिट्स अपर जो टर्म है वो एड हो जाएगी यहां ध्यान से देखें ये टर्म सेम कैंसल हो गई जीरो टू फाइव वन डी एक्स वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो यहां हो जाएगा फाइव माइनस जीरो एंड दिस इज फाइव ये टू मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा सो आई इज इक्वल टू फाइव बाई टू तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या आई है आपकी वो आई है फाइव बाई टू तो यहाँ पर पहले आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है एंड देन उसके बाद फर्स्ट इंटीग्रां और सेकेंड इंटीग्रांट को क्या कर देना है ऐड कर देना है और जैसे ही आप इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ टर्म वन बन जाएगी और वन का इंटीग्रेशन ईजिली फाइंड आउट किया जा सकता है